इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच जल संकट भी मंडराने लगा है। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी देते हुए कहा कि 17 मई की सुबह से दिल्ली के 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 3 वाटर प्लांट में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, क्योंकि यमुना का जल स्तर कम हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक सूचना में कहा है कि यमुना के वजीराबाद वाटर वर्क्स में जल स्तर 674.50 फीट से घटकर 669.40 फीट रह गया है। इसके साथ ही हरियाणा से यमुना का पानी छोड़ने में भी कमी आई है। ऐसे में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पेयजल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। लिहाजा 17 मई की सुबह से और तालाब का स्तर सामान्य होने तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि जरूरत के हिसाब से ही वो पानी को स्टोर कर लें। पानी की समस्या को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही कहा है कि रिक्वेस्ट पर वाटर टैंकर्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सिविल लाइन, हिंदू राव हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्र कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। इसके अलावा राजेंद्र नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर, इंदरपुरी, कालकाजी, रामलीला मैदान, सुभाष पार्क में भी जल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। वहीं मॉडल टाउन, दिल्ली गेट, गुलाबी बाग, मूलचंद, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी इलाकों में भी सोमवार को पानी की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा जहांगीरपुरी, बुराड़ी कंटेनमेंट और साउथ दिल्ली के इलाकों में भी जल आपूर्ति पर असर पड़ेगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।